नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर की सफाई व्यवस्था को देखने के लिए बुधवार को घोष कंपनी, नखास, बक्सीपुर सहित अन्य प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था संतोषजनक न होने पर सैनिटरी इंस्पेक्टर बिट्टू सिंह, जोनल ऑफिसर सुमित कुमार को निलंबित करते हुए वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार के स्थानांतरण के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया। इसके साथ उन्होंने संबंधितों का एक सप्ताह का वेतन भी रोकने का निर्देश दिया। नगर विकास मंत्री ने पेयजल एवं स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक समस्त सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। उन्होंने स्ट्रीट लाइट अतिक्रमण आदि कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कर्मचारियों का वेतन RTGS के माध्यम से दिया जाए, कार्य में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था की निरंतर निगरानी रखी जाए। उन्होंने नगर निगम की आय बढ़ाने के संबंध में कहा कि टैक्स कलेक्शन की दोहरी व्यवस्था अर्थात मैसेज तथा मकानों की नंबरिंग की जाए। उन्होंने हर वार्ड में स्वच्छता वातावरण प्रोत्साहन समिति गठन करने के निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री ने कहा कि किसी भी कार्य की शत प्रतिशत सफलता में जन सहयोग आवश्यक है। प्रेस वार्ता में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राहुल श्रीवास्तव, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह सहित विभिन्न विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया। बैठे लेनी आपने सामान्यतः ज्यादातर एजेंसी वाले सिस्टम में डाला हुआ है। ठीक, अवगत कराना है सर कि इस शहर में भी गोरखपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री का भी शहर है, बहुत सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, सफाई व्यवस्था में सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, पेयजल, सड़क पथ प्रकाश व्यवस्था, जल निगम, CNDS सभी के द्वारा जो है विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं को गति दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी 70 वार्डों को जो है ODF घोषित किया चुका है नगर निगम को, नगर निगम द्वारा घोषित करते हुए QCI से जांच के लिए शासन को प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसमें नगर निगम को ODF का प्रमाण पत्र सिंह ही जाट उपरांत निर्गत होने जा रहा है। सफाई व्यवस्था के लिए समय समय पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, सफाई व्यवस्था में सुधार किया भी गया है, लेकिन अभी भी CM City के अनुरूप अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। पथ प्रकाश व्यवस्था में 32,500 से ज़्यादा LED लाइटें लगाई गई हैं जो विभिन्न खंभों पर दिख रही हैं, साथ ही साथ 8,000 और लाइटें जिनका शासन में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिस पर निर्णय होना है कि वो LED कंपनी के माध्यम से लगें या नगर निगम उसको लगाए, ताकि अगले 5 वर्ष 7 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जा सके। पेयजल के लिए UIDSMT में योजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है, कुछ और योजनाएं भी धन के अभाव में कुछ अपूर्ण हैं। सभी नागरिकों को 1,32,000 मकानों को हम लोगों ने हाउस होल्ड का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। को आज की और आगामी दशहरा दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा गोरखपुर आना हुआ, मैंने सुबह से नखास वाली रोड पर सफाई का भी जायजा लिया और निर्माण का भी। एक सैनिटरी इंस्पेक्टर और एक ZO उनको निलंबित किया जाता है, जिनके क्षेत्र में हमने सफाई का अवलोकन किया। बहुत स्थिति खराब थी, हफ्तों से नालियां साफ नहीं हुई, मैंने बाकायदा सड़क के दोनों तरफ जिस प्रकार के पटले पड़े थे, नालियां चोक थी, उसको हटा हटा कर मैंने देखा, कूड़े के ढेर। और हमारे साथ आप में से कई लोग पत्रकार मित्र भी थे जो उसके साक्षी भी थे। जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं और ZO को, दोनों लोगों को निलंबित किया जाता, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, क्या नाम है उनका,
अतुल नाम है ना, अतुल कुमार, उनको भी मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दूंगा लिख के कि उनको भी कहा जाए कि वो यहाँ काम करने के लायक नहीं है, कहीं किसी अन्य जनपद में। इसके अलावा एक एक सप्ताह का वेतन भी हमने काटा है इनको। जो भी उस रोड से सफाई से संबंधित लोग थे सभी लोगों का एक सप्ताह का वेतन भी काटा जाएगा। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में एक सफाई का वातावरण बने। एक स्वच्छता प्रोत्साहन समिति के गठन की बात भी कही गई थी 4 सितंबर 2017 को एक शासनादेश जारी करके, उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है और हम सबका सहयोग चाहते हैं, क्योंकि बिना जन सहयोग के आम आदमी जब तक इसको अपना कार्यक्रम नहीं बनाएगा तब तक इसमें पूरी तरीके से सफलता मिलना कठिन लगता है। इसलिए हम आप सबसे भी चाहते हैं, आप सबके माध्यम से चाहते हैं कि जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचा सके, लोगों को यह एहसास कराना है कि हमारी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त होती है जहाँ दूसरे लोगों का अधिकार शुरू होता है। तो हम कोई काम ऐसा न करें, हम केला खाएं, सिंघाड़ा खाएं, मूँगफली खाएं, बिस्कुट खाएं, टॉफ़ी खाएं, चॉकलेट खाएं, तो उसका छिकला और रैपर कहाँ फेंकें। विदेशों से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो जब टॉफ़ी और बिस्कुट खाते हैं तो रैपर जेब में रखते हैं और हम अभी तक ये कल्चर डेवलप नहीं कर पाए। इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं और सभी लोगों को यह एहसास करना पड़ेगा कि हम अपनी दिनचर्या का अंग सफाई को बनाएं, स्वच्छता हमारी दिनचर्या का अंग हो। हम सुबह से शाम तक इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम जो भी चीज़ उपभोग करें या किसी प्रकार से ऐसी गंदगी का कारक न बने, ऐसी गंदगी का कारण न बने जिससे लोगों को असुविधा हो, क्योंकि गंदगी तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा करती है और एक माहौल भी ख़राब होता है। बाहर से जो लोग आते हैं शहर में उनकी निगाह ट्रैफिक पर जाती है, गंदगी पर जाती है, अतिक्रमण पर जाती है, वो यही इम्प्रेशन लेके जाते हैं कि ये शहर कैसा है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि ये जन सुविधा को देने के लिए आम आदमी के लिए कम से कम हमको भी ये फैसिलिटेट करना चाहिए। अभी आपके सामने हमारे नगर आयुक्त ने कई योजनाओं के बारे में बताया। हमारा पूरा ध्यान इस बात तरफ है कि जो समाज के सबसे कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को जो हमारे विभाग से सुविधाएं हो सकती हैं उनको ज़रूर दी जाएं। मिसाल के तौर पर जिसके पास शौचालय नहीं है, चाहे वो किसी आमदनी का व्यक्ति हो, उसको शौचालय मिले। जिसके पास अपनी पक्की छत नहीं है, जो पन्नी में, टीन में, छप्पर में या किसी तरह से अपनी गुजर बसर सड़क के किनारे करता है, अगर उसके पास अपनी 21 मीटर से लेकर 30 मीटर तक ज़मीन है तो हम उसको आवास दे रहे हैं। और उसके लिए लगातार हमारी कोशिश है कि इसमें आवास दिए जाएँ। पूरे उत्तर प्रदेश में 5,84,000 मकान BLC में बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन, जिन लोगों की, जिन परिवारों की आमदनी 3 लाख रुपए से कम है और जिसके पास अपनी पक्की छत नहीं है, 25-30 मीटर अपनी इस जगह है, उसको कहते हैं बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन। उसके तहत 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देकर वो मकान बना सकता है अपना। 50,000 रुपया जब उसको पंजीकरण होता है अर्थात उसके जब चयन होता है तब दिया जाता है, और जब वो प्लिंथ तक मकान बना लेता है, प्लिंथ तक अपनी नींव उठा लेता है, उस वक्त उसको 1.5 लाख रुपया, और फिर तीसरी किस्त मकान के कंप्लीशन के बाद 50,000 रुपया, 3 किस्तों में ये पैसा दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की किसी स्कीम में किसी को भी इतनी बड़ी सब्सिडी किसी काम के लिए नहीं दी जा रही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग दे रहे हैं। इसमें 1.5 लाख रुपया भारत सरकार का है और 1 लाख रुपया हमारी सरकार का है अर्थात माननीय योगी जी की सरकार का है। वर्तमान में अभी तक हम 5,84,000 लोगों को मकान स्वीकृत कर चुके हैं, जिसमें गोरखपुर के 16,000,
से ज़्यादा मकान गोरखपुर में भी स्वीकृत हो चुके हैं। ये हम आपको संख्या एग्जैक्ट बता दें। सोलह हजार समथिंग है, 257। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सहारा उन लोगों के लिए है कि जिनके पास अभी तक अपनी छत नहीं थे, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है उसके लिए आवास विकास और विकास प्राधिकरण मकान की व्यवस्था करेगा। 99,000 मकान ऐसे स्वीकृत हो चुके हैं, यानी कुल मिला के अगर टोटल देखा जाए BLC में और अफोर्डेबल हाउसिंग में, ये 683,000 मकान पूरे प्रदेश में स्वीकृत हो चुके हैं। एक वो लोग जो जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, और एक वो लोग जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। ऐसे 99,000 जो आवास विकास परिषद के माध्यम से और डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से दिए जाएंगे, इतने मकान स्वीकृत हो चुके हैं। वर्तमान में ऐसे मकानों की संख्या जो कंप्लीट हो चुके हैं वो 52,000 से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर जो गरीबों की हमदर्दी वाली योजनाएं हैं वो लोग हम उसको पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ दे रहे हैं। शौचालय के लिए कोई आमदनी की पाबंदी नहीं है। अगर शौचालय नहीं है तो ये माना जाता है कि वही व्यक्ति शौचालय नहीं बनवा पाया जो गरीब है, जो इस लायक नहीं है कि अपना लैट्रिन अपना शौचालय बनवा सके। इसलिए उसके लिए भी हम व्यवस्था हमने की है, पब्लिक लैट्रिन सामुदायिक लैट्रिन इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और गोरखपुर में भी हमने काफ़ी पब्लिक लैट्रिन भी बनवाई है लोगों को। आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, वो व्यवस्था सड़कों पर दिखाई भी पड़ती है। वर्तमान में जो निर्मित हुए शौचालय पब्लिक लैट्रिन ऐसे जो 2300 शौचालय हैं जो 317 सीटों वाले, और बायो टॉयलेट्स 13 शौचालय, इसमें सीटों की संख्या 130 है, अर्थात कुल 447 सीटों के पब्लिक लैट्रिन बनाए गए। इसके साथ ही एक आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए भी हमने यहाँ व्यवस्था की है। 8 करोड़ से ज़्यादा पैसा उसके लिए स्वीकृत किया है गौशाला के लिए, और इसमें 50% धनराशि अब मुक्त भी हो गई, 409.64 लाख, और इस पर काम चल रहा है। ये मैं समझता हूँ कि जन सामान्य की लोग महसूस करते हैं कि सड़कों पर जानवर दिखाई पड़ते हैं, तो उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसलिए व्यवस्था की जा रही है। अमृत मिशन के अंदर भी चाहे पेयजल हो चाहे पार्कों की व्यवस्था हो इसको भी कर रहे हैं। आपका रामगढ़ ताल इसके लिए भी काफ़ी पैसा दिया गया है। अभी हाल ही में हमने जनवरी में भी हमने 11 करोड़ रुपया जनवरी में इसके लिए स्वीकृत किया गया, 11 करोड़ 85 लाख, और इस पर भी आप देख रहे हैं काम चल रहा है। और हर तरफ से हमारी ये कोशिश है इंडिविजुअल टॉयलेट्स जो हैं वो 10,942 टॉयलेट्स इंडिविजुअल बन चुके हैं, और आगे भी ये सिलसिला जारी है कि जो लोग अप्लाई करते हैं जो पात्र हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को शौचालय दिया जा रहा है। प्रदेश में हम चाहते हैं कि सफाई का माहौल विशेष रूप से बने, और इसके लिए एक अपना जिस प्रकार से स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है स्वच्छता का, वो जनवरी में होता है, तो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हम अपना उत्तर प्रदेश का स्वच्छता सर्वेक्षण एक करवाएंगे, और जिसमें जो समिति अच्छा काम कर रही है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे, और जो लोग नहीं काम कर रहे हैं जो लोग रुचि नहीं लेते हैं उनको हम दंडित भी करेंगे। इसलिए
23 दिसंबर यह तारीख रखी है कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको जिले में अर्थात गोरखपुर में और ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में जो सफाई के क्षेत्र में अच्छा परिणाम देंगे उन लोगों को सम्मानित करेंगे, और 25 दिसंबर को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर उन लोगों को सम्मानित करेंगे कि जो लोग स्वच्छता में अच्छा काम करेंगे, जो लोग अपने वार्ड को अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे। आपको मालूम है कि पीछे हमारा उत्तर प्रदेश में यानी पिछले वर्ष केवल एक जिला वाराणसी था, उसमें 32वां स्थान आया था स्वच्छता में। इस बार उत्तर प्रदेश के 3 लोकल बॉडीज़ को सम्मानित किया गया, एक गाज़ियाबाद, दूसरा अलीगढ़, तीसरा समथर। समथर एक नगर पंचायत है झांसी की, और अलीगढ़ और गाज़ियाबाद से हम सब परिचित हैं। इन लोगों ने सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम किया। हम सारे इक्विपमेंट्स देने को तैयार हैं, जो मानक के अनुसार सफाई कर्मी हैं उनको भी देने को तैयार हैं। यहाँ पर केवल ध्यान देने की आवश्यकता है, सुपरवाइजिंग की आवश्यकता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे काम लेने की आवश्यकता है। इसलिए हम भी चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हो उसमें हमारा स्थान अर्थात उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत अच्छा हो, पिछले वर्षों के मुकाबले में अच्छा दिखे भी। और सफाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो कुछ उसके लिए करना पड़ता है हम लोग कुछ कर नहीं पाते या कम कर पाते हैं, इसलिए परिणाम नहीं मिलता। अतिक्रमण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हमने कहा कि जो सड़क बन रही है उसके किनारे जो नाली है उसको भी नाली खोलकर उसको बाकायदा, क्योंकि ड्रेनेज की व्यवस्था सही करेंगे तभी हम सड़क को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित जीवित बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और नहीं तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर पर मोटरसाइकिल के लिए या कार खड़ी करने के लिए रैंप ऐसा बनाते हैं कि जिसका ढाल सड़क की ओर होता है। होना उल्टा चाहिए, ढाल नाली की तरफ होना चाहिए, सड़क का भी ढाल नाली की तरफ होना चाहिए, कैम्बर होना चाहिए ऐसा। लेकिन होता क्या है, घर वालों ने अपना घर बनाया और घर के बाद ऐसा स्लोप बना दिया कि जो मोटरसाइकिल और कार तो आसानी से निकल सके, और जब उसके ऊपर पानी गिरे उस स्लोप के ऊपर तो वो सड़क के ऊपर आ जाए। यानी जिस दिन से सड़क बनेगी उसी दिन से अगर उस रैंप से जोड़ेंगे तो वो उसी दिन से नाला बन जाएगी। इसलिए जन सहयोग इसलिए चाहिए कि ऐसे लोग इनको डिस्करेज भी करना है, हम उनको तोड़वाएँगे भी, समझाएंगे भी, और सारी जितने विकल्प हैं हमारे सब इस्तेमाल करेंगे। और इस ज़िले में काफ़ी आप देख रहे होंगे कि काम भी काफ़ी हो रहा है, हर चीज़ को एक व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास है, खूबसूरत बनाने का प्रयास है, जो अधूरी चीज़ें हैं उनको पूरा करने का प्रयास है, और एक मैसेज देने का प्रयास है कि हम एक गुड गवर्नेंस का जो नारा हमने दिया था उसको हम पूरी तरीके से ज़मीन पर चरितार्थ करके दिखाएं। मैं समझता हूं कि हम लोग सभी लोग जो कुछ भी यहां पर हो रहा है वो सब देख भी रहे हैं, और लोगों को इस बात का एहसास भी है कि गोरखपुर में काफ़ी काम हो रहा है। प्रदेश में हर क्षेत्र में जो गिरावट का ग्राफ 10 साल तक नीचे जा रहा था, हर क्षेत्र में हम नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, अब हम हर क्षेत्र में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। गिरावट का ग्राफ समाप्त हुआ, अब हर जगह कहीं हमने 25% बढ़े हैं, कहीं 20% बढ़े हैं, कहीं 50% बढ़े हैं, हर तरफ हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से हम जैसा उत्तम प्रदेश बनाने का जो हमने वादा किया था, उत्तम प्रदेश बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज के मौके पर मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त।